हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा एक ऐसी लड़की थी जो महीने में बाकी दिनों में तो कभी कभार नहाया करती, लेकिन जब आती बात पीरियड्स की तो वो हर दिन नहाया करती। लेकिन पीरियड्स में रोज नहाने से किन बीमारियों का लड़कियों को सामना करना पड़ता है, आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे। नेहा नहा धोकर अपने कमरे से बाहर अपनी माँ के पास किचन में आती है, जहाँ उसकी माँ उसे दूर से ही आवाज देकर रोकते हुए कहती है, वही रुक, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे माँ, पर क्यों? मैं किचन में क्यों नहीं आ सकती? मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। क्योंकि मुझे पता है तुझे आज पीरियड्स हुए होंगे, इसलिए रोक रही हूँ। अरे माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? तू अभी नहाकर बाहर निकली है, इसलिए कह रही हूँ। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में एक तू ही है अनोखी, जो पीरियड्स में बार बार नहाती है। सब ऐसे में नहाते नहीं और तू उल्टा ही करती है, रोज नहाती है। अरे माँ, मतलब क्या है आपका कि बाकी दिनों में मैं नहीं नहाती हूँ? मतलब क्या है, ये सच है, तू बाकी दिनों में तो नहाती ही नहीं। तुझे कह कह कर थक जाती हूँ कि नहा ले नेहा, आकर नहा ले, लेकिन इन दिनों तो मैडम खुद ब खुद नहाने पहुँच जाती है। अरे माँ, मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था कि हमें इन दिनों में हर समय साफ रहना चाहिए, तो बस जब भी मुझे लगता है कि मेरे कपड़े गंदे होने वाले हैं या कुछ भी हो तो मैं नहा लेती हूँ। अरे माना कि साफ सफाई रखनी चाहिए और नहाना भी चाहिए, लेकिन सर धोकर नहाना सही नहीं होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। अब माँ, क्या आप मुझे ये ताने देकर ही भगा दोगी या कुछ खाने को भी दोगी? वहीं रह, मैं तेरा खाना वहीं रख देती हूँ, पर यहाँ मत आना, मेरी रसोई अशुद्ध हो जाएगी। आप और आपकी बातें मेरी तो समझ से ही परे हैं। इतना कहकर अब मधु नेहा को एक थाली में खाना लाकर दे देती है और नेहा वो खाना अपने कमरे में ले जाकर खाती है, जिसके बाद वहाँ नेहा की दोस्त सोनम आती है और उससे कहती है, और बता क्या कर रही है आजकल? बहुत ही कम बाहर निकलती है तू और फोन भी नहीं उठाती, कहाँ बिजी रहती है? कुछ नहीं यार, बस आजकल बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। ओह, ये बात है। अच्छा मेरी बात सुन, आज मुझे कुछ किताबें लेने बाहर जाना है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा भी आएंगे बाहर से, चल मेरे साथ, आज की पार्टी मेरी तरफ से। नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, और वैसे भी पीरियड्स में बार बार नहाना होता है। अरे यार तू पागल है क्या, पीरियड्स में भला कौन बार बार नहाता है? यार अब तू भी मेरी माँ की तरह मत बनाकर, वरना मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चल बाहर आ, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा सोनम के साथ बाहर जाने के लिए पहले नहाती है और फिर कुछ देर बाद घर से बाहर जाती है, जिसे देखकर सोनम कहती है, अरे यार इतनी देर क्यों लगा दी तूने, कब से तेरा वेट कर रही हूँ मैं बाहर, लेकिन तू है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही घर से। अरे वो क्या है ना, मैं नहा रही थी, तुझे तो पता ही है, और पीरियड्स में रोज रोज नहाती हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हे भगवान, ना जाने कब तेरी पीरियड्स में नहाने की आदत कब खत्म होगी, चल अब जल्दी, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, हम दुकान बंद हो जाएगी। इतना कहकर सोनम नेहा को लेकर जाती है और दोनों कुछ देर तक पहले दुकान से सामान लेते हैं और फिर कुछ खाते हैं। तभी नेहा को ऐसा लगता है कि उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं और वो सोनम से कहती है, सोनम तू यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है। अरे अब तुझे क्या काम याद आ गया, वो भी यहाँ पर, अभी हमें आए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई और तुझे काम याद आ गया। अरे तू रुक ना, मैं भी आ रही हूँ, तू बस यहीं रहना, कहीं मत जाना, और मैं बस 5 मिनट में वापस आई। अरे लेकिन बता के तो जा, मैं कब तक यहीं रहूंगी। नेहा भागी भागी घर जाती है और घर जाकर नहा धोकर कपड़े चेंज करती है और फिर से सोनम के पास आ जाती है, और इतनी देर तक सोनम वहीं उसका इंतजार कर रही थी। नेहा के आते ही सोनम नेहा से कहती है, अरे इतनी देर से कहाँ पर थी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ चली गई थी तू? अरे यार वो क्या है ना, मुझे लगा कि मेरे कपड़ों में दाग लग गया है, तो मैं घर नहाने गई थी और कपड़े बदलने। क्या तू सच में कपड़े बदलने और नहाने के लिए घर गई थी? तू पागल हो गई है क्या, ये जगह घर से कितनी दूर है जानती है ना तू? हाँ तो अब आ गई हो ना वापस, तुझे छोड़कर तो नहीं गई ना, चलो चलते हैं, कहाँ जाना है तुझे? अब कहीं नहीं जाना मुझे, बहुत देर हो गई है पहले ही यहाँ तेरा इंतजार करते करते, चल अब घर चलते हैं जल्दी से, वरना अंधेरा हो जाएगा। इतना कहकर सोनम नेहा को लेकर घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और नेहा के पीरियड्स में रोज रोज नहाने की आदत अभी बंद नहीं होती। एक दिन में वो कई दफा नहा लिया करती
और बार बार कपड़े भी चेंज करती, जिससे कि बार बार कपड़े बदलने के बाद भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाया करते। एक बार देर रात नेहा को लगता है कि उसके कपड़ों में दाग लग गया है, तो वो तुरंत ही उठकर नहाने जाती है और देर रात पानी की आवाज से मधु की आंखें खुल जाती हैं और वो नेहा के कमरे में आती है तो देखती है कि नेहा नहाकर बाहर आई थी और ये देखकर मधु कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है, तू इतनी रात को भी नहा रही है, अब ऐसा क्या हो गया जो तुझे इस वक्त नहाना पड़ा। अरे माँ वो क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं तो मैंने नहा लिया। हे भगवान, अब कौन समझाए तुझे, पीरियड्स में कभी कभार नहा लेते हैं, वो भी सर से नहीं कंधे से। सर से रोज और बार बार नहाने से पेट में सूजन हो जाती है और फिर बीमारी। क्या माँ, आप तो आधी रात को भी एक डॉक्टर की तरह बात कर रही हैं। जाइए ना, सो जाइए ना। जिस दिन तुम बीमार होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि क्या होता है बार बार पीरियड्स में नहाने से। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। इतना कहकर मधु सोने चली जाती है और नेहा भी सो जाती है। अगली सुबह बहुत देर तक नेहा बाहर नहीं आती तो मधु उसके कमरे में जाती है तो नेहा बेड पर पड़ी होती है। ये देखकर नेहा से मधु कहती है, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई तेरी। हाँ माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मैं क्या करूँ। करना क्या है, इसमें जाकर नहा, तुझे तो बहुत शौक है ना पीरियड्स में बार बार नहाने का, अभी भी जाकर नहा, रोका किसने है तुझे। माँ ऐसे में क्यों मजाक कर रही हैं आप, आपकी बेटी बीमार है, डॉक्टर को बुलाइए। बीमार भी तो अपनी हरकतों की वजह से हुई है ना, मैंने रोका था ना बार बार नहाने से, फिर क्यों नहाई। माँ मेरा सिर पहले से ही दर्द से फट रहा है और आप मत दर्द करो सिर में। नेहा की बढ़ती तकलीफ देखकर अब मधु कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी कुछ देर बाद घर आती है और जब उसे पता चलता है कि नेहा की तबीयत बार बार पीरियड्स में नहाने की वजह से खराब हुई है तो वो भी नेहा से कहती है, अरे नेहा तुम्हें नहीं पता क्या कि पीरियड्स में बार बार नहीं नहाना चाहिए, ऐसा करने से तुम्हारे आने वाली लाइफ में तुम्हें बहुत दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अगर मैं पीरियड्स में ना नहाऊं तो मुझे बेचैनी हो जाती है, इसलिए मैं रोज नहाती हूँ। नेहा मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आगे से कभी भी पीरियड्स में मत नहाना, क्योंकि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उनके पेट पर सूजन हो जाती है और वही पीरियड्स के दौरान बाल न धोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और बाल धोने से शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता। अब मैं कभी भी पीरियड्स के समय पर सर नहीं धोया करूंगी और ना ही नहाया करूंगी। ये देखो डॉक्टर मैम, तब से यही बात मैं इसे समझा रही थी तो इसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब आपने समझाया तब इसका दिमाग चल गया। अब डॉक्टर नेहा को दवाई देकर वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से नेहा फिर कभी पीरियड्स में होने पर बार बार नहाया नहीं करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।